झांसी में राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा जीवन धारा फाउंडेशन की टीम को कोरोना योद्धा सम्मान पद देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जीवन धारा फाउंडेशन के सभी सदस्यों के अलावा रेलवे कर्मचारी व अधिकारी गण मौजूद रहे। सहज जीवन धारा फाउंडेशन की तरफ से जिन गरीब ऐसा है लोगों को कोविड 19 के समय पे खाद्यान्न वितरण किया गया, उसमें जो ये योद्धा हैं जिनके द्वारा खाद्यान्न वितरण किया गया है उसमें आज राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है और उसी सम्मान में उन्हें सर्टिफिकेट जारी किया। ऐसे कितने लोगों का आज आपका सम्मान किया? करीब हमने 20 लोगों को सम्मानित किया है। कोरोना वायरस से फैली महामारी के दौरान जो लॉकडाउन हुआ अपने देश में, उसमें तमाम लोग परेशान हुए, हर वर्ग परेशान हुआ। जीवनधारा फाउंडेशन ने जब महसूस किया कि कुछ लोगों की आय के स्रोत एकदम बंद हो गए हैं, तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने निर्णय लिया कि कुछ गरीबों, ज़रूरतमंदों को कुछ जो भी हमसे बन पड़ा, आटा, दाल, चावल, मास्क, सैनिटाइज़र वितरित किया। और उसी क्रम में हम लोगों ने कई जगह वितरित किया। वितरित करते हुए हम लोग इसी क्रम में जीआरपी थाना प्रांगण में, पिछली बार आप लोग भी उपस्थित थे, तो यहाँ कुछ लोगों को हम लोगों ने वितरित किया था आटा, दाल, चावल। तो उसको, उस कार्य से प्रभावित होकर राजकीय रेलवे पुलिस की जो थानाध्यक्ष महोदया हैं, मेरी बड़ी बहन तुल्य श्रीमती अंजना सिंह जी, इन लोगों ने जीवनधारा फाउंडेशन की पूरी टीम को कोरोना योद्धा से सम्मानित किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा कि उन्होंने हमारा सम्मान किया, और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल के इस प्रोग्राम की कवरेज की। धन्यवाद।